तो ये देखें, ये जो दोनों गोवंश हैं पत्थरखेड़ी गांव में, ये दोनों गाय जुड़ ली हैं, ये भी और ये भी। आप इन दोनों का शरीर देखें, सिंगू का पैटर्न देखें, एक जैसे सींग एक जैसा मुंह, दोनों की नाक बिल्कुल काली, बिल्कुल बड़ी और खड़ी थुई के साथ, दोनों शुद्ध हरियाणा नस्ल में जो एक गोधन है, एक ही गाय की पैदा हुई थी। तो इस आश्रम में सबसे सुंदर गाय है ये दोनों, और इनमें से जो शिषपाल नंदी की बेटी है वो इसी गाय की बेटी है। और अब की बार दादरी में भी इनको लेके गए थे मेले में। तो मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूँ जागरूक किसान चैनल पर। तो पत्थरखेड़ी आश्रम में काफी सुंदर गोधन आज ये देखने को मिला। तो ये देखें, शुद्ध हरियाणा नस्ल का काफी लंबे तगड़े शरीर के साथ जो ये नंदी है, अब पत्थरखेड़ी आश्रम में एक ही नंदी है, ये रुद्रनाथ का बेटा है, और बिल्कुल बारीक पूंछ है इस नंदी की, टेस्टिकल काफी बड़े बड़े, सींगों के बीच में पूरा पोल, एक कसीला शरीर, काफी शुद्ध गुणवत्ता में जो ये नंदी है। ये गाय हमेशा पीछे पीछे रहती है, बिल्कुल शांत शरीफ स्वभाव की गाय होती है। ये देखिए बाहर भी आ जाएगी पीछे पीछे ये, तो ये प्रेम होता है, ये प्यार होता है गायों का। अगर आप गौशाला में चारा खिलाते हो गायों को या गुड़ खिलाने जाते हो, तो गाय अगर आपकी तरफ सींग हिला देती है या आगे की तरफ आपकी तरफ आती है, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि वो गाय आपको चोट मारेंगी। वो गाय प्रेम करवाने के लिए, खाद करवाने के लिए, खुजली करवाने के लिए, अपने ऊपर हाथ फिरवाने के लिए आपके पास आती हैं। तो बहुत सारे लोग कई बार इतना डर जाते हैं गायों से कि डंडी भी उनको मार देते हैं कि कहीं वो उसको मारने ना जाए। तो ये भी प्रेम की भूखे, आप इनका प्रेम समझें, इनका ममता समझें और इनको दुलार करें। यहाँ पर ये मीणा बुल है, इसको संन्यास दे रखा है, और यहाँ पर जो शिषपाल नंदी छोड़ा था उसी की बेटी, यहाँ पर एक बेटी तो ये है, ये जब छोटी थी जब इसकी बहुत वीडियो वायरल हुई थी, पीछे से आप इसके टिट्स क्वालिटी देखना, बहुत बड़े बड़े टिट्स हैं इस बछड़ी के, और एक बछड़ी यहाँ पर ये भी है, ये भी उसी की बेटी है शिषपाल नंदी की ही। तो ये देखें इसकी भी टिट्स क्वालिटी बहुत बढ़िया दिखाई देगी आपको, ये देखें कितने मोटे मोटे थन हैं, अगले थन देखें कितने बड़े बड़े हैं अभी से, ये देखो आप, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है शिषपाल नंदी का। ओ सिंगों के बीच में बहुत बड़ा पोल है। तो यहाँ पर ये देखें, ये बछड़ा भी शिषपाल नंदी का ही है, थोड़ा सा गड़कंबल जरूर आया है, माथे के ऊपर लाल लाल निशान, माथे के ऊपर लाल बाल थोड़े से, ये देखो कितना कसीला शरीर है इस बछड़े का, कितनी बड़ी और खड़ी थुई है, ये देखें फुर्ती देखें एकदम से दौड़ उठता है। तो इस प्रकार की क्रियात्मक ऊर्जा होती है हरियाणा नस्ल में। तो ये देखें काफ़ी नन्हे मुन्ने बछड़े बछड़े हैं, एक और है काला डोरा बांध रखा, जो बाबा जी ने काला डोरा बांध दिया था, जो शिषपाल की बेटियां थी, एक ये बेटी भी शिषपाल नंदी की है, इसके भी इसका भी आप थोड़ा सा गड़कंबल, माथे पर लाल बाल, लंबी सुंडी, अडर से लेकर सुंडी तक जो त्वचा है ये, और टिट्स क्वालिटी इसकी भी बहुत बढ़िया दिखाई देगी। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, जब ये बछड़ियाँ ब्याएंगी आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन निकाल कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये शुद्ध हरियाणा नस्ल का बैल है पत्थरखेड़ी आश्रम में। अगर आपको भी इसी प्रकार का बैल चाहिए तो यहाँ पर बछड़े हैं, लगभग 4 बछड़े हैं, अगर किसी साथी को चाहिए तो बैल बनाने के लिए लेकर जा सकते हैं। ये बछड़े भी सेम इसी बैल की तरह बनेंगे, जब ये बैल छोटा था इन बछड़ों की उम्र का तभी नहीं की तरह दिखता था। तो अगर किसी साथी को खेत में हल चलाना है, बैलों से काम लेना है, तो ज़रूर यहाँ पत्थरखेड़ी आश्रम से ले जा सकते हो। तो अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी देना चाहो वो आपकी मर्जी है। हम पत्थरखेड़ी आश्रम में यहाँ पर बाबा जी जब भी गांव में जाते हैं तो इन कुत्तों के लिए बिस्कुट ज़रूर लेकर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा लगाव है बाबा जी का इन कुत्तों के साथ है। तो यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं, पिछले साल कोई साथी एक कुतिया और उसके लगभग 7 से 8 बच्चे थे, उनको बोरी में बांध कर वहाँ पर पीछे गेट पर छोड़कर चले गए थे। तो जब से ही बाबा जी ने इनको पाला है, उससे पहले भी यहाँ पर कुत्ते थे, लेकिन एकदम से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुत्ते कोई यहाँ पर छोड़कर चला गया तब से हुए हैं। तो बाबा जी जब भी गांव में जाएंगे इनके लिए बिस्कुट ज़रूर लेकर आएंगे, इनको इनके खाने पीने की मौज रहती है, कुत्तों के लिए गद्दे बिछा रखे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी हैं, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था भी यहाँ पर होती रहती है। रुद्रनाथ नंदी की बेटी फर्स्ट टाइमर ब्याई है और आज लगभग 15 से 16 दिन की ब्याई हो चुकी है, पीक पर है, जितना दूध देना उतना बना चुकी है, काफ़ी लंबे तगड़े शरीर के साथ शुद्ध हरियाणा नस्ल में जो ये गोधन है, बहुत बढ़िया बछड़ी है,
और इसी की बेटी है यहाँ पर, ये अंडर क्वालिटी है, लगभग 15 दिन की ब्याई हो चुकी है। बाबा जिसको सारा दूध बछड़ी को ही पिलाते हैं, बस एक दिन जो सुंडू भाई हैं उन्होंने तोल कर देखा था, उन्होंने बताया कि लगभग 8 किलो के आसपास दूध इसका है।